made a painting especially for you, for your 75th birthday. May I now request the actor, director, producer, an extremely passionate personality who's rocked the box office. Yes, together, the impeccable Subhash Khaisa. Good evening. I, on the behalf of Mr. Woods, on behalf of my company, extremely feel honored to be part of this great moment, sir. And I thank heartily to Mr. Deepchanda, Mr. Asuja, to be associated with the Whistling Woods, to see to it that we also कहते हैं बड़ी पिक्चर के साथ छोटा छोटी पिक्चर भी बड़ी हो जाती है. अब जिनका नाम अमिताभ हो, सूरज हो, तो उसके बारे में क्या कहना. सूरज से सृष्टि है, सृष्टि से विधान है, इंसान है. हिज जर्नी आई नो फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सीलेंस टू द एक्सीलेंस टू द एक्सीलेंस एंड नॉट द इन्फिनिटी ऑफ एक्सीलेंस. That is Amitabh Bachchan. I remember his first frame. 75 frame ki baat chal rahi hai sir. To main kuch moment share karna chahta hu aapse. Main bhi FTI se actor ban ke aaya tha aur kuch shooting kar rahe the hum log. To hamare ek dost the Jalal Aga aur kuch aur actors the. To bada acha scene chal raha tha. तो उस वक्त जला लगाए और कहने लगे कि बॉस, कल मैं एक शूटिंग देख के आ रहा हूँ और शूटिंग का फिल्म का नाम है साथ हिंदुस्तानी, के अब्बास साहब की फिल्म थी. आई रिमेंबर दैट मोमेंट. इसे एक लड़का आया है सेट पे, बड़ा लंबा है, तो जो बूम है माइक वाले को ऊपर करना पड़ता है और हम सब छोटे छोटे. लेकिन जब उसने कहा हेलो, तो मुझे लगा कि ये कौन सी आवाज़ आई. बोले बॉस, यू मस्ट मीट. मैंने कहा कि कुछ नया एरा आना है. दिस इज ए सम न्यू एरा इज इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टर्स. समबडी हैज़ कम एंड ही वॉज प्लेइंग वन ऑफ दोज सेवन कैरेक्टर्स. बट ही वॉज नोटिस इन दिस इंडस्ट्री. आई थिंक विद इन 5 days देयर वॉज ए फ्यूरर. The one actor has arrived. He doesn't know, but I know about it. तो आप जितने एक्टर थे भैया, काम वाम छोड़ दो, अब चलो घर, चलते हैं और कुछ और करते हैं. So we all have been watching. The man doesn't know anything except achieving excellence at every step. And all credit goes to he himself, his family, wonderful parents, and his wonderful lessons to all the younger generation of actors, to be disciplined, to be dedicated. Is finally legend banna bahut aasan hai, lekin discipline se excellence ko pana aur legend tab banna, it is extremely difficult. I know that. And sir, this is a great moment for all of us to share with your whole journey. What beautiful pictures. Pradeep has always been very naughty. कहाँ कहाँ कैमरा रख के कहाँ कहाँ फ़ोटो ले लेता है. आप खुद भी हैरान होते हैं कि मेरी फ़ोटो है, ये मैं था. एंड वी आर वेरी ऑनर्ड दैट फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू कैरी ऑन दिस शो ऑफ एग्जीबिशन एट विस्लिंग वुड कैंपस. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज टेल ऑल हिज फैंस एंड द मीडिया पीपल डू विजिट विस्लिंग वुड्स एंड सी हाउ स्टूडेंट्स हैव बीन डेकोरेटेड इट एंड हाउ ब्यूटिफुली विद ऑल लव एंड अफेक्शन. आप देखेंगे कि बस 15 दिन तक तो AMITABH ओवर देयर. थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस. थैंक यू. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच घाई साहब.
Padma Vibhushan honorary Shri Amitabh Bachchan sahab, indeed for millions of people around the world, you are the god of Bollywood, of style, of hard work, of passion, of dreams, of reality, and of inspiration. Sir, may I have the honor of inviting the biggest and the greatest icon of Indian cinema, the angry and still pretty young man, to please share his thoughts with us. यहाँ बैठे बैठे अपनी तारीफ सुनना जितनी अहम होती है इंसान में वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है कि यहाँ बैठ करके सुभाष घाई साहब के और जितने भी यहाँ लोगों ने बात की है इसका मैं आदी नहीं हूँ और इनसे बहुत दूर भागना चाहता हूँ हमेशा. लेकिन प्रदीप और औसजा ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने प्रोत्साहित किया, कान पकड़कर उठक बैठक करवाया और कहा कि यहाँ आपको आना ही होगा. इन दोनों की बहुत आदर करता हूँ इस वजह से नहीं कि इनमें अपनी एक कला क्षमता है, बल्कि इसलिए कि इनके अंदर एक ऐसी भावना है डॉक्यूमेंटेशन की. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो कि माना जाता है विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, आज तक कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव नहीं सामने आया है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, पुरानी फिल्में, पुरानी तस्वीरें कैसे बनी, क्या समय था, कैसे लोगों ने उसको बनाया. बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो कि आपको ताज्जुब होगा और हैरान की भी होगी कि कचरे में पड़ी हुई हैं और उनको कोई संभालने के लिए नहीं है. तो जो डॉक्यूमेंटेशन की एक भावना थी प्रदीप में और औसजा में, उसकी वजह से आज मैं यहाँ आया और उन दोनों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ध्यान इस ओर गया, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेंगी. औसजा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से पुराने पोस्टर्स को इकट्ठा किया है, एक पूरा इतिहास है इनके पास भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का. और प्रदीप, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली जो जनरेशन है प्रदीप जी, ये इसे देखेगी, उसकी प्रशंसा करेगी, कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और आज इन्होंने साबित कर दिया है. मैं तो चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ा ही एम्बेरसिंग मोमेंट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी एक ऐसा एग्जीबिशन आप करें, और यदि आप करें तो उसमें मैं अवश्य आऊँगा. आप चाहें तो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि अगर मैं अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान सकूँ, देख सकूं और उसको और आगे प्रोत्साहित कर सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और जितने भी आर्टिस्ट ने हमारे तस्वीरें बनाई हैं बहुत ही खूबसूरत हैं. मन तो ऐसा कर रहा है कि सब के सब घर ले जाऊं, लेकिन घर वाले जो हैं वो इसे देख करके थोड़ी परेशान हो जाएंगे, इतनी तस्वीरें कहाँ रखेंगे वो. बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, और असजा आपको भी थैंक यू सो मच फॉर putting all this together. It's really very valuable, two gentlemen who have so much care and consideration to document moments, incidents in this wonderful industry of ours. There are very few people who actually do that, and I would support this move if ever Osaja, you and Pradeep ji wish to, you know, further this for the rest of the industry. Get so many documentation, so many pictures, so many photos. They are historical in our history. And there is no record of it at all, and that must be kept, because for the future generations they must know what the Indian film industry has meant and what it is going to be. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here and for giving me this love and affection. I know that I'm not deserving of it, but thank you all the same. Thank you. Thank you so much, Amitabh sir. Thank you so much for all your patience. We would like may I please request Meghna ma'am, Meghna Ghai, to join us on stage to say a few words of thank you. I just want to say a big, big thank you to all the gentlemen sitting here on the dais. I think exhibits like that are not just
not just a display of somebody's work, but it's also an inspiration for the young generation that is working really hard to make it in this industry. And Mr. Bachchan's life, as everyone knows, has been so inspiring. So through these photographs, we are really, really honored, sir, that we've been able to do this at Whistling Woods. And I just like to take on from what Mr. Bachchan said, that when you do plan it for the industry, our doors are always open. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, friends from the media and guests who've joined us here on this lovely evening. Thank you. Thank you, Mr. Amitabh Bachchan.